हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। भाई आज हम करेंगे अपने ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर पार्ट टू कॉर्ग। ठीक है, बड़ी ही ना सुंदर सी जगह है। मतलब इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ना ये मैंगलोर मैसूर के बीच में है, और ऐसा लगता है कि जैसे ना गॉड जो है जहाँ पर रहते हैं ना उसका एक छोटा सा पार्ट धरती पर आ गया। मतलब इतना सुंदर बताया गया, एकदम स्वर्ग से भी सुंदर। ठीक है, तो तुम्हारे जाने का मन करे ना, तो इसलिए यहाँ पर नरेटर ने बताया हुआ है कि अगर तुम्हारा कॉर्ग में जाने का मन करे ना, तो सितंबर से लेकर मार्च के बीच में तुम इसमें आ सकते हो। ठीक है, सो कॉर्ग एक इतनी ज्यादा सुंदर जगह है जो कि बिल्कुल ही स्वर्ग जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे जहाँ गॉड रहते थे वहां से कुछ हिस्सा धरती पर भी आ गया है, और मैसूर और मैंगलोर के बीच में यहाँ पर ना छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ठीक है, ऐसे और थोड़ी अनइक्वल लेंथ की, कोई इतनी है, कोई इतनी है, कोई इतनी है, कोई इतनी है, ऐसे ऐसे अनइक्वल लेंथ की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पहाड़ियां हैं। यहाँ के जो मेन है ना वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, बहादुर है, और योद्धा टाइप के, और वुमेन बहुत ज्यादा सुंदर है कॉर्क की। ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे जंगली हाथी, लंगूर वगैरह, स्क्विरल्स वगैरह, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको हम कोडागू भी बोल देते हैं कॉर्क को, है ना। और ये कर्नाटका की छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। ज्यादातर 30% जो एरिया है कॉर्ग का, वहां पर ना ऐसे एवरग्रीन वाले ट्रीज है। एवरग्रीन वाले ट्रीज ऐसे होते हैं जो पूरे साल ना मतलब हरे भरे रहते हैं, बारिश वगैरह आती है बढ़िया, और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है, प्लीजेंट सा रहता है, और जनरली पूरे साल बारिश रहती है यहाँ पे। अगर आपका मन करे तो सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर आप घूम सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा माना गया है ये वाला जो टाइम स्पेन होता है, और इसकी मतलब इस टाइम स्पैन के बीच में काफी ज्यादा बारिश भी आप देख सकते हो। तो उससे क्या होता है, मौसम और ज्यादा सुहाना हो जाता है यहाँ का। यहाँ की जो हवा है ना उसमें कॉफी की खुशबू जो है वो लहराती रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉफी प्लांटेशन होती है वर्ल्ड की। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो जो कौर के लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनका जो पूर्वज वगैरह थे ना वो ग्रीक होंगे या फिर अरेबिक बैकग्राउंड के होंगे, और ये लोग बहुत ज्यादा फ्यूरियस है, मतलब काफी ज्यादा तेज है काम करने में। ठीक है, ऐसा माना जाता है क्यों, क्योंकि इनका ड्रेसिंग साइन जो इनका ड्रेसिंग सेंस है ना वो बिल्कुल अरेबिक लोगों जैसा है या फिर ग्रीक लोगों जैसा है। ये ऐसा लंबा सा ब्लैक कलर का कुर्ता टाइप का पहनते हैं, कोट टाइप का पहनते हैं, और एक वेस्ट बेल्ट होती है इनकी, कमर के ऊपर जो बेल्ट बनी रहती है ना वो होती है इनकी, जिसको हम कुपिया बोलते हैं। ठीक है, कुपिया जो है बिल्कुल कूफिया जैसे, जैसे अरब और कुर्ड्स पहनते हैं। ठीक है, सो एक लंबी सी ड्रेस पहनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ग्रीक और अरब जो लोग हैं वो यहाँ पर आए होंगे कभी ना कभी। ठीक है, ऐसा ना अफवाह है, र्यूमर है एक टाइप की, कि जब बहुत टाइम पहले अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी ना वो यहाँ पर रुक गई थी कॉर्ग में। ठीक है, तो वहां पे वो अलेक्जेंडर की आर्मी वापस से अपने घर नहीं जा पाई थी कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, और वो समुद्री यात्रा करके आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो हम जा नहीं सकते जहां से हम बिलोंग करते, तो हम यहाँ पे घुल मिल जाते हैं कॉर्ग के वासियों के साथ। ठीक है, तो जितने भी कॉर्ग के लोग थे उनकी और अलेक्जेंडर की आर्मीज के जितने भी लोग थे उन सबकी आपस में शादी हो गई, दोनों के कल्चर्स थोड़े मिक्स हो गए। ठीक है, कि कॉर्क के भी अलग कॉर्क के लोगों के भी कल्चर्स मिल गए, और अलेक्जेंडर की आर्मी के जो कल्चर्स थे वो भी मिक्स हो गए। तो इससे क्या होता था, जैसे कि अरेबिक वगैरह लोग जो है लंबे लंबे कुर्ते टाइप के पहनते हैं, तो वो लोग भी ऐसे लंबे लंबे कुर्ते पहनने लग गए, और उनका जो रिलीजन है, कल्चर वगैरह है, वो थोड़ा सा अलग है। जितने जो जैसे हिंदू अलग से मानते हैं अपने कल्चर को, वैसे ही वो लोग भी अपने कल्चर को अलग मानते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, सबका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, और बहुत ज्यादा दिल के नर्म लोग हैं यहाँ के। ठीक है, यहाँ के लोग ना अपनी अपनी पुरानी पुरानी स्टोरी पूर्वजों के बारे में बता बता के दूसरों को एंटरटेन करते रहते हैं। ठीक है, थीके? बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग हैं, काम में तेज वाले हैं। ठीक है, थीके? बहुत ज्यादा बहादुर है, तो इसलिए हमें पता चलता है कि कौर के जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उन्हीं को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए। जो फर्स्ट चीफ है इंडियन आर्मी का वो भी जनरल कैरियप्पा था, जो कि कौर से बिलोंग करते हैं। सिर्फ कौर के लोगों को ही परमिशन है कि उन्हें ऐसे लाइसेंस नहीं लेना पड़ता कोई गन रखने के लिए या फिर कोई फायर आर्म्स रखने के लिए, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं इंडिया में अगर उनको कभी गन वगैरह रखनी हो अपने आसपास में तो उनको लाइसेंस
लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ कोर के लोगों को ऐसा लेना नहीं पड़ता। सो इससे क्या पता चलता है कि कोर के लोगों पे हम बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और हिल्स हैं कोर के, वो जनरली पानी प्रोवाइड करते हैं रिवर कावेरी को, और ये साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा अच्छी और बड़ी सी रिवर है, मेजर रिवर है। एक यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश भी पाई जाती है जिसका नाम महासीर है, और वो कावेरी के रिवर्स में पाई जाती है, और उसको बर्ड वगैरह खाने की सोचती है वो महासीर मछली को। ठीक है, स्क्विरल्स और लंगूर भी, लंगूर वगैरह यहाँ पर खेलते रहते हैं पानी में, और लंगूर क्या करते हैं आधे आधे ऐसे फल खा के और बाकी आधे डाल देते हैं पानी के अंदर, और जो हाथी होते हैं वो भी कावेरी रिवर में नहाना पसंद करते हैं। ठीक है, जो टूरिस्ट है जो कि कोर्क में आते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि भाई इतना सुंदर है आसपास के, इतने बड़े नज़ारे हैं, नेचुरल ब्यूटी है ना, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, और वो अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं स्पोर्ट्स की, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, वो चप्पू चलाने वाला थोड़ा, और रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया। ठीक है, और हिल्स पे ना अलग अलग रास्ते भी बने हुए हैं पहाड़ियों पे। ठीक है, और वहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट वगैरह ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वो ट्रैकिंग वगैरह करते तो उन्हें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं रास्ते में, बहुत सारे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज उनके आसपास ऐसे उड़ती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है नेचर के बीच में। स्क्विरल्स और लंगूस भी जैसे पेड़ों पे तो रहते हैं, तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं कि कौन नया मेहमान आया हमारे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से, और जितने भी जंगली हाथी होते हैं वो भी आपको कोर्क में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली कल मैं एक रील देख रही थी, उसमें क्या हुआ था, एक लेडी थी वो सो रही थी बेड के ऊपर, और ना कहीं पर होगा ऐसे ही कोर्क जैसा इलाका, और वहाँ पे भी हाथी थे, बहुत ज़्यादा हाथी है, जैसे कि थाईलैंड वगैरह में भी। तो जनरली ये हाथी क्या करते हैं, आके विंडो में से अपनी सूंड उसको ऐसे से लगा रहा था, तो ऐसे वहाँ के हाथी भी बड़े वेलकमिंग से होते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते क्या होता है, कोर्क इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी है, और अगर आपको पूरी कोर्क देखनी है ना कि पूरा कोर्क कैसा दिखता है, तो आपको ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ना पड़ेगा एक स्कैनेटिक व्यू लेने के लिए। ठीक है, कोर्क जो है उसमें दो आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि एक निसर्गधामा और एक बालाकोप है, ठीक है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों आइलैंड पे ना टिबेटन के लोग भी रहते थे। ठीक है, मॉन्क्स जो है यहाँ के, जैसे आपने नेपाल में देखे होंगे मॉन्क्स, ठीक है, वो रेड ऑरेंज येलो कलर के गारमेंट्स पहनते हैं, और यहाँ पर जो कोर्क के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल उनका बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है ट्रैवलर्स के लिए, मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं कि वो जो जैसे जैसे वो काम करते हैं, जैसे जैसे वो रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप का कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कोर्क में, तो इसलिए ये जो कोर्क है वो इंडिया का हार्ट एंड सोल है। तो ये काफ़ी प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा चैप्टर था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्ट टू भी खत्म होता है, पार्ट की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। सर आपको ये प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, और मुझे कोई भी डाउट पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर लेना, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड दिस एक्सप्लेनेशन, देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।